नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त हमारे साथ चरखी दादरी से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक नरपेंद्र सिंह सांगवान मौजूद है। आज इनके आवास पर कार्यकर्ता बैठक है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में इनके जो समर्थक हैं वो आज इनके आवास स्थान पर पहुंचे हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। 2005 में आप कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे, इस दौरान आपने ऐसे कौन से वो विकास कार्य करवाए थे जिनकी आज भी समाज के अंदर चरखी दादरी में चर्चा होती है? सबसे पहला तो मैं अपना ये समझूंगा कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी ITI राहुल जी के अंदर बनाई गई जी, जिसके अंदर शिक्षा पाके आज भी बच्चे नौकरी पा रहे पूरे NCR रीजन में और बल्कि अब्रॉड भी जा रहे जी। उसके बाद मैं सोचूंगा जो खास काम कराया गया वो था दादरी बाईपास जी। हाँ, उस टाइम पे बाईपास बनवाने में बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि लोगों को भी दिक्कतें आई इसके अंदर, तो जिसकी वजह से बड़ा रोष था लोगों के अंदर क्योंकि ट्रैफिक सारा का सारा बीच में से जाता जी। पर आज हमें दिख रहा है कि उस बाईपास की वजह से सारे का सारा ट्रैफिक बाहरों बाहर निकल जाता है, दादरी शहर के अंदर कोई ट्रैफिक जैम नहीं है जी। यहाँ पे भर्ती दफ्तर था जिसको रिवाड़ी ले जाया जा रहा था, तो मैं तो अपनी खास तोहीन मानी जो मेरे खुद के दादा यहाँ पर लेकर आए थे अपने पार्टीशन के बाद जी, उसको यहाँ से रिवाड़ी ले जाया जा रहा था। तो ये सबसे पुराना भर्ती दफ्तर था और हमारे पूरे हल्के और इलाके के लोगों के लिए रोजी रोटी का मानना था, तो इसको ऊपर के लेवल तक जाके मैंने रुकवाया और इसका नवीनीकरण करवाया और आज ये पक्का स्थित है दादरी के जी। आपके विधायक बनने के बाद कांग्रेस पार्टी से शायद ही कोई विधायक नहीं बना होगा आज तक। हाँ, कांग्रेस की टिकट पे आज पिछले 50 साल के अंदर मैं ही विधायक यहाँ से विजयी हूँ जी। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, जिस तरह के धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, लहर बनती जा रही है, क्या उससे एक आस लगाई जा सकती है कि आने वाली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट से कोई विधायक बन सकता है? हाँ जरूर, आस सही लगाई जा रही है क्योंकि बीजेपी से लोग हर तरह से त्रस्त हो गए जी। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ नारा दिया था जय जवान जय किसान, बीजेपी ने उसका बिल्कुल उल्ट कर दिया, ना जवान का जय हो रही और ना किसान की जय हो रही जी। किसान तो इतने दिनों तक आंदोलन के अंदर रहे, 13 महीने तक का आंदोलन चला, 750 का स्वर्गवास हो गया उस दौरान, बेचारे बड़े तंग रहे। पर ये अच्छी बात है कि उनके इस आंदोलन की वजह से वो जितने भी जो अध्यादेश थे वो वापस हुए और इनने एक जवानों के लिए तो एक नई समस्या खड़ी कर दी, अग्निवीर 4 साल की नौकरी कौन चाहता है। अगर कोई नया पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे तो इनको ये पायलट प्रोजेक्ट जो है BSF CRP वगैरह में और करना चाहिए था, ना कि देश की सुरक्षा के साथ कोई नया प्रोजेक्ट का खिलवाड़ करें। तो ये अभी तो अग्निवीर आने लग रहे हैं, 4 साल के अंदर तो पूरी उसकी तैयारी भी नहीं होती जी, जबकि उसका वापस आना पड़ा जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, चुनावी माहौल चल रहा है, 25 मई को जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे और अपना सांसद चुनेंगे, तो ऐसे में इस मौके पर आपने अपने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है, इसके पीछे हम क्या मान के चले, क्या आपकी इंटेंशन है? इंटेंशन ये है कि जिस दिन टिकट अनाउंस हुई थी मैंने तो अपने जो भी थे जिनसे मेरी बात हुई उनको उसी दिन से कह दिया था कि भाई कांग्रेस पार्टी की मदद करनी है आप लगो। दान सिंह जी के साथ हमारी मित्रता है, वो हमारे साथ MLA इकट्ठे थे 2005 के अंदर, और आज मैं बैठक लेने जो जा रहा हूँ उसमें यही अफवाह दूंगा कि कांग्रेस पार्टी की मदद करो और दान सिंह को यहाँ से जिता जी।
नरपेंद्र जी, आने वाले समय में क्या एक बार आप चुनावी मैदान में दोबारा से आ सकते हैं, जिस तरह से आज आपके कार्यालय पर आपके समर्थकों की भीड़ एकत्रित हुई उसको देखते हुए? ऐसा है कि ये सारी बातें बाद की हैं और पार्टी के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसा पार्टी का हुक्म होगा मैं तो उसी के साथ, मैं तो पार्टी का बिल्कुल डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और उससे मैं भार नहीं। जी, जैसा कि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक नरपेंद्र सिंह सांगवान मौजूद है, इनका कहना है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में काफी ज्यादा शहर के विकास कार्य करवाए थे, चाहे शहर में बाईपास बनवाना हो या फिर बच्चों के लिए आईटीआई की व्यवस्था करनी हो या फिर जो लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में लगने वाला भर्ती जो दफ्तर है उसको दादरी में ही रखना क्यों ना हो, इस तरह के इन्होंने कई अच्छे प्रयास किए थे जो आज भी लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्य बात करें तो आज इन्होंने अपने आवास स्थान पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज कार्यकर्ता इनके आवास स्थान पर पहुंचे हैं। इनका केवल यही कहना है कि अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा प्रचार प्रसार कर रही है, तो ये जो अपने कार्यकर्ताओं को आज अपने आवास स्थान पर बुला रहे हैं उनसे केवल यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और मन लगाकर कांग्रेस की मदद करें और रावदान सिंह को जिताने के लिए पुरजोर प्रयास करें ताकि कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ सके। इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो शायद ये चुनाव में एक बार फिर से आ सकते हैं, लेकिन ये फैसला पार्टी हाईकमान और पार्टी के जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर निर्भर करता है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।